ये दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसा कि आपको हमेशा दिखती है। दुनिया के शुरुआत से ही हम लोग ऐसी कई कहानियां सुनते आए हैं जिसमें कई लोग नॉर्मल कॉन्सेंस से बाहर निकलकर कई एंटिटीज को फील करते हैं, पैरा नॉर्मल चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ध्यान से सुनो, एंडीज माउंटेन में एक बहुत बड़ा एरिया स्टोन से भरा हुआ है जिसको स्टोन फॉरेस्ट कहते हैं, और वहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्टोन देखने को मिलते हैं। इन स्टोन को आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ना कुछ पैटर्न देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा कि इंसान का चेहरा और जानवरों का चेहरा बना हुआ है इन स्टोन्स में, और ऐसा भी लगेगा कि ये अपने से नहीं बना हुआ है बल्कि इसे बनाया गया है। साइंटिस्ट के हिसाब से ये रॉक फॉर्मेशंस 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। जूलियो सिटेलो नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर इतनी सारी मिस्टीरियस चीजों को खोजा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। उनको इस जगह पे कई मम्मीज भी मिला है, और वही सब जब सुनने में आ रहा था ना तब बहुत लोग इस जगह पे खुद ही आकर देखना चाह रहे थे कि वहाँ है क्या। तो ऐसी कई घटनाएं मिली जो कि ये दिखाती है कि यहाँ पे इंटर डायमेंशनल ट्रेवल भी पॉसिबल है। डॉक्टर राव रियोस सेंटेनो एक डॉक्टर और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उनके पास एक ऐसी पेशेंट आई जिसका आधा बॉडी पैरालाइज हो चुका था। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि तुम्हारा आधा बॉडी कैसे पैरालाइज हो गया है। डॉक्टर ने उसके ब्रेन स्कैन और बाकी चीजों से ये पता किया कि ऐसा कोई इंटेंस घटना तो हुआ ही नहीं है, ब्रेन में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। तो आखिर उस स्टोन जंगल के किसी एक जगह पे जाके वो पैरालाइज हो गई क्या? फिर उस पेशेंट ने अपनी पूरी कहानी बताई, और ये सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। उसने ये कहा कि वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग कर रही थी और नाइट के टाइम पे वो उस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रही थी। तभी अचानक से उस फॉरेस्ट के एक जगह पे एक केबिन दिखा, एक पत्थर से बना हुआ काइंड ऑफ घर टाइप का, जिसका रियल पिक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, और उसके अंदर से ना नाचने गाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई म्यूजिक बज रहा है और अंदर कोई सरवनी चल रहा है। और वो लड़की जब एक झलक देखी कि अंदर क्या है तो उसे पुराने जमाने के लोग दिख रहे थे। ऐसा लगा कि 1700 के लोग सरवनी कर रहे हैं आपस में एक साथ। फिर वो लड़की उस घर के अंदर जाना चाही और जाने लगी, और वो लड़की जैसे ही उस गेट के पास आई उसकी बॉडी शक होने लगी, ऐसा जैसे कि वो किसी पोर्टल में शक हो रही है। कोई पोर्टल जो है उसे अंदर की तरफ खींच रहा था। तभी उसकी बाकी फ्रेंड जो है वो आई और उसको इस दुनिया में वापस टांगने लगे, बट उसका आधा शरीर उस पोर्टल के अंदर घुस चुका था। और जैसे ही उसको बाहर टाना गया उसका आधा शरीर काम करना बंद कर दिया, पैरालाइज हो गया। उसके बॉडी का जो पार्ट पोर्टल में घुसा था उतने पार्ट का बॉडी का एनर्जी फ्लू जो है ना वो स्पेस टाइम के डिस्टॉर्ट के चलते पैरालाइज हो गया। ये शायद एक टाइम स्लिप की घटना थी जहाँ पर टाइम स्लिप के चलते उसको 1700 या 1800 सेंचुरी देखने को मिली, और उसी जगह पे उस टाइम लोग सरवनी कर रहे होंगे जिसका टाइम स्लिप के चलते उसको झलक दिख गया। वो फीमेल आज तक रिकवर नहीं कर पाई। उस फॉरेस्ट का नाम है मार्कोवासी फॉरेस्ट। उस केबिन के अंदर अचानक से ऐसा पोर्टल कैसे बन गया ये आज भी एक मिस्ट्री है। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर देना।